कोई उसे मोबाइल वगैरह चलाने को दे दे या उससे प्यार से को पेश आता है कोई भी, तो वो बहुत जल्दी भड़काने में आती है। अनावश्यक तरीके से लड़की पर दबाव बना करके और उनके पेरेंट्स जो आए हैं उन पर दबाव बना करके जबरदस्ती उसका परीक्षण कराना चाहते हैं। जानबूझ के प्रशासन राजनीतिक दृष्टिकोण से राजनीतिक प्रेशर में आकर नवाब सिंह जी को फंसाने का काम कर रहा है। ऐसी घटना इसलिए हो गई, मुझे नहीं पता, मैं तो बैठ के बात ही कर रही थी, नवाब भैया से बैठी थी मैं चेयर पे, नवाब भैया से बैठ के मैं बात कर रही थी और लड़की ने बोला कि मेरे को मोबाइल दे दीजिए 2 मिनट के लिए, मैं मम्मी से बात करूंगी। तो मैंने उसको फोन दे दिया था और मैं चेयर पे बैठ के उनसे बात करने लगी। अब कैसे उसने 100 नंबर पे कॉल कर दिया पता नहीं। तो क्या मानसिक तौर से कुछ बीमार है बच्ची क्या? वो किसी के बहकाने में तो आ जाती है, अगर कोई उसे मोबाइल वगैरह चलाने को दे दे या उससे प्यार से को पेश आता है कोई भी, तो वो बहुत जल्दी भड़काने में आती है। जैसे कह रहे हैं बच्ची जो है किसी की भड़काने, किसने भड़का दिया, किसने ऐसा कर दिया? देखिए किसी का कुछ नहीं कह सकते हैं कि 3-4 लोग हैं जो मैं बता रही हूँ कि सपा पार्टी से ही है, ठीक है, और वो पंडित है और समय आने पे मैं उनके नाम आपको क्लियर कर दूंगी, जब आवश्यकता जरूरत पड़ेगी तो मैं बताऊंगी। तो ये प्लांड पूरा मामला था क्या नवाब सिंह यादव को फंसाने का, क्या आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल ये प्लान था जी, इसका प्लान था, समय आने पे मैं नाम क्लियर कर दूंगी। यहाँ पे जो जिला प्रशासन है अनावश्यक तरीके से लड़की पर दबाव बना करके और उनके पेरेंट्स जो आए हैं उन पर दबाव बना करके जबरदस्ती उसका परीक्षण कराना चाहते हैं, जबकि वो लड़की कंटिन्यू ये कह रही है शुरू से लेकर अंत तक कि मैं अपना मेडिकल परीक्षण नहीं कराऊंगी और ना ही मेरे साथ इस प्रकार का कोई दुर्व्यवहार किया गया। जानबूझ के प्रशासन राजनीतिक दृष्टिकोण से राजनीतिक प्रेशर में आकर नवाब सिंह जी को फंसाने का काम कर रहा है। आगे आप लोग का क्या स्टैंड है? हम लोगों का जो पार्टी का स्टैंड होगा वो हम लोगों का स्टैंड होगा। वैसे पूरे जनपद में जो हर व्यक्ति चाहे किसी विचारधारा से जुड़ा हो, हर व्यक्ति इस बात की निंदा कर रहा है कि एक समाज सेवी व्यक्ति के साथ जो अन्याय किया गया उसकी छब धूमिल करने का जो प्रयास किया जा रहा है ये राजनीतिक कुचक्र है और प्रशासन के दम पर दबाव पर एक भले इंसान के खिलाफ ये किया जा रहा है। जब एक बार डॉक्टरी होने की बात हुई, डॉक्टरों ने लिख दिया है, उसके बाद फिर क्या आप लोग आरोप लगा रहे हैं, क्यों दोबारा किया जा रहा है? एक बार जब डॉक्टर ने ये लिख दिया लड़की के कहने से कि मैं अपना परीक्षण नहीं कराऊंगी, इसके बाद में प्रशासन जबरदस्ती उस लड़की का मनोबल तोड़ करके उसको मेंटली डिस्टर्ब करके ये दबाव बना रही है कि उसका मेडिकल परीक्षण कराया जाए और नवाब सिंह यादव जी को किसी न किसी तरीके से जेल भेजने का काम किया जाए। प्रमुख जी, समाजवादी पार्टी तो प्रमुख जी से किनारा कर रही है, कह रही है पार्टी के सक्रिय सदस्य भी नहीं है, उनका नाम समाजवादी पार्टी से ना जोड़ा जाए, इस तरह की बात कर रही है। ये बात हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी नहीं की, ना पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कही, नहीं। ये कहना लोगों का गलत है कि वो पार्टी से किनारा कर रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी थे हैं और आज भी समाजवादी पार्टी का कार्य कर रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी की तरफ से जो नौजवानों छात्रों की ओर से तहसील स्तर पर बेरोजगारी को लेकर जो धरना था उसका आयोजन होना था उसमें ये मुख्य अतिथि थे, फिर बात तहसील के लेटर को लेकर क्या कहेंगे, जो लेटर अभी जारी हुआ है पार्टी की तरफ से जिला अध्यक्ष जारी हुआ है? हमें लेटर के बारे में कोई अभी जानकारी नहीं है।